हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है परसेंटाइल डिस्क्रीट सीरीज में हम देखेंगे। परसेंटाइल डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए भाई पहले हमें क्वेश्चन चाहिए, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके बाद हम उसको समझाते हैं। फाइंड आउट P20 एंड P70 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जैसे वैल्यू हमने लेते हैं मार्क्स मान लीजिए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ने हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3, 6, 2, 9, 7, 4। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम हम बोलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉलम x का बनाएंगे, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 3, 6, 2, 9, 7, 4। अब ध्यान ये देना है हमको कि जो x होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यहां पे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में हम नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी x के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। अगर x असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो इसको हम अरेंज करते, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिखते हैं, हम सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बट यहाँ पे अवेलेबल है हमें, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब भी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो हम निकालते हैं CF, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? संचयी आवृत्ति, मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई होती है। जैसे पहला 3 हो गया, 3 में 6 जोड़ा हमने, 9, 9 में 2 जोड़ा, 11, 11 में 9 जोड़ा, 20, 20 में 7 जोड़ा, 27, 27 में 4 जोड़ा, 31। और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यहाँ पे 31 होगा। और जब भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही n होता है। अब यहाँ पे देखिए P20 फाइंड करना है। P20 नंबर इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 100 आइटम। कौन सा नंबर फाइंड करना है? 20 नंबर, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 नंबर ऑफ आइटम 31 प्लस 1 बाई 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 20 इंटू 32 बाई 100। अब 32 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, यानी 640 डिवाइड बाई 100, यानी वैल्यू आ गई 6.40। अब ये 6.40 जो वैल्यू आई है हमें हमारी, वो कहां लाई करेगी? ये CF में चेक करेंगे। यहां ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सीरीज की तरह 6 आइटम प्लस 7 आइटम, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा वैल्यू जो आई उसको आप CF में चेक कीजिए कहां पड़ेगा, तो ये 9 में आएगा। इसके सामने कौन सा आइटम है? 20। तो P20 इज इक्वल टू हो गया 20। उसी तरह P70 अब हमें फाइंड करना है। P70 के लिए क्या करेंगे? P70 नंबर इज इक्वल टू द साइज ऑफ 70 n प्लस 1 बाई 100 आइटम। 70 n की वैल्यू 31 प्लस 1 बाई 100, 70 इंटू 32 बाई 100। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 हो गया, 7 दूनी 14 4 हो गया, 7 दूनी 21 21 और 1 2240 हो गया, ये डिवाइड बाय 100, 22.40। अब 22.40 कहां लाई करेगा? 27 में, यानी 27 के सामने कौन सा आइटम है? 50, यानी आपका यहां पे P70 की जो वैल्यू होगी P70 इज इक्वल टू 50। ये था P20 की वैल्यू और P70 की वैल्यू निकालना। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यू पूछेगा इसी के अकॉर्डिंग उसको निकाल लिया जाएगा,
जिन लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में परसेंटाइल नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और भी सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग परसेंटाइल कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।